बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 प्रश्न हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 प्रश्न हैं, उनमें सभी में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, 11वें का जो पहला प्रश्न है वो है, कोस एक्स बराबर कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। हल करेंगे हम, तो प्रश्न को ऐसे कैसे पुनः उतारेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कोस एक्स बराबर कोस 60 का मान होता है 1/2 यहाँ लिख देंगे, गुणा कोस 30 का मान होता है √3/2 यहाँ लिख दिया, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हमने इनके मान लिख दिए। अब हम आगे चलते हैं, कोस एक्स बराबर √3 को 1 से गुणा किया √3 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गई, प्लस √3 को 1 से गुणा किया यहाँ √3 आ गया और 2 को 2 से गुणा किया बटा 4 आ गई यहाँ। अब आगे चलिए, कोस एक्स बराबर यहाँ 4 लसब आ जाएगा, 4 और 4 का लसब आया 4, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया और 1 को √3 से गुणा किया तो यहाँ आ गई √3, प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया और 1 को √3 से गुणा किया यहाँ पर आ गए √3। अब आगे चलिए, कोस एक्स बराबर √3 और √3 दो √3 हो गए तो यहाँ लिख देंगे हम 2√3 बटा 4, ऐसे कैसे लिख देंगे, कोस एक्स बराबर अब देखिए यहाँ पर 4 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया 2 बार, तो 2 नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आया √3 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया तो √3/2। कोस एक्स बराबर अब देखिए यहाँ पर √3/2 कोस 30 का मान होता है तो हम √3/2 की जगह क्या लिख देंगे, कोस 30 डिग्री। अब देखिए कोस से कोस कट गए तो यहाँ रह गया x और यहाँ पर रह गया 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री इस प्रश्न का आंसर है। अब हम चलते हैं 11वें के दूसरे प्रश्न की ओर। 11वें का दूसरा प्रश्न है, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब हम इसका हल करेंगे, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री पुनः लिखा। अब आगे चलते हैं, साइन 2x साइन बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 यहाँ लिख देंगे, गुणा कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है यहाँ पर हमने लिख दिया, माइनस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब आगे चलिए, साइन 2x बराबर √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गए, 2 को 2 से गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हुए तो यहाँ पर आ गया 3/4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया है बटा 4 आ गए। आगे चलिए, साइन 2x बराबर यहाँ पर हमने 4 लसब लिया, 4 और 4 का लसब आया 4, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गए, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा किया तो हम 1 यहाँ पर आया। आगे चलिए, साइन 2x बराबर 3 में से 1 गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 2/4। आगे चलिए, साइन 2x बराबर हो गया, अब देखिए यहाँ पर दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ 2 में 2 का भाग गया 1 बार और यहाँ 4 में 2 का भाग गया 2 बार तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2। साइन 2x बराबर 1/2 का मान होता है साइन 30 डिग्री में तो हम यहाँ साइन 30 डिग्री लिख देंगे 1/2 की जगह। अब देखिए साइन से साइन कट गया तो यहाँ रह गए 2x बराबर 30 डिग्री। अब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ रह गया x बराबर 30 डिग्री बटा 2। अब देखिए 30 डिग्री में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 15 डिग्री तो x बराबर 15 डिग्री आंसर आया। अब हम चलते हैं 11वें का तीसरे प्रश्न की ओर। 11वें का तीसरा प्रश्न है, √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री।
अब हम हल करते हैं, रूट तीन टेन दो एक्स बराबर साइन 30 डिग्री का मान हमने लिखा है 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान हमने लिखा है 1/√2 कोस 45 डिग्री का मान हमने लिखा है 1/√2 प्लस 2 और साइन 90 का मान होता है 1 जो हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे चलिए रूट तीन ऐसे कैसे लिखा, टेन दो एक्स बराबर 1/2 प्लस 1/2 1/√2 को गुणा किया हमने 1/√2 से तो हमें प्राप्त हुआ 1/2 प्लस 2 को 1 से गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हुए और बटा हम 1 लिख देंगे क्योंकि आगे लसब लेने में आसानी रहेगी। आगे चलते हैं हम रूट तीन टेन दो एक्स ऐसे कैसे लिखा बराबर, यहां पर देखिए 2 2 और 1 का लसब आया 2 2 में 2 का भाग दिया एक बार गया और 1 को 1 से गुणा किया यहां पर 1 आ गया प्लस 2 में 2 का भाग दिया एक बार गया और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ प्लस 2 में 1 का भाग दिया 2 बार गया और 2 को 2 से गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हुए। रूट तीन टेन दो एक्स बराबर ऐसे कैसे लिखा, अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं को हमने जोड़ा 1 + 1 + 4 ये हो गए 6/2 ऐसे कैसे लिखा रूट तीन टेन दो एक्स बराबर, अब देखिए 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया तो यहां हमने 3 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे रूट तीन का पक्षांतर करेंगे, इस रूट तीन का पक्षांतर करेंगे उसको बराबर के उस ओर ले जाएंगे, रूट तीन का पक्षांतर करने पर टेन दो एक्स बराबर, अब देखिए यहां पर 3 को हमने खोल दिया, 3 को हमने किस रूप में लिखा, इस 3 को रूट तीन गुणा रूट तीन, अब देखिए यहां पर रूट तीन का हमने पक्षांतर किया इधर लेके आए इधर ये इधर गुणा में थे तो इधर यहां पर भाग में आ गए। अब देखिए रूट तीन से रूट तीन कट गया तो यहां पर पीछे शेष रहे रूट तीन तो यहां हो गया टेन दो एक्स बराबर रूट तीन और रूट तीन मान होता है टेन 60 डिग्री का तो हमने यहां पर रूट तीन की जगह लिख दिया टेन 60 डिग्री यानी टेन दो एक्स बराबर टेन 60 डिग्री। अब आगे चलिए टेन दो एक्स बराबर टेन 60 डिग्री इसमें टेन और टेन कर देंगे पीछे शेष रहेगा 2x = 60 डिग्री 2x = 60 डिग्री को हमने यहां पर लिख दिया 2x = 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर 2 को 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहां पर रह जाएगा x = 60 डिग्री/2 x = 60 में 2 का भाग दिया तो 30 बार गया तो यहां आ जाएगा 30 डिग्री आंसर, इस प्रश्न का आंसर हुआ x = 30 डिग्री। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे YouTube वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।